ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये गौरतुविषये नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोसुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवसच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मध्यखंड आगे लीला को बढ़ाते हुए ना हियर द टॉपिक्स रिगार्डिंग शुक्लम्बा ब्रह्मचारी हु लिव्ड इन नवदीप वेयर द लॉर्ड अपीयर। अभी आप शुक्लम्बा ब्रह्मचारी के विषय में श्रवण करिए जो नवदीप में रहते थे जहाँ पे भगवान का प्राकट्य हुआ। He was always engaged in his occupational duties and he was most peaceful. वो अपने नित्य कर्म में लगे रहते थे और परम शांत थे। Although no one knew it, he was a great devotee. लोग उन्हें नहीं जानते थे लेकिन बहुत महान भक्त थे। क्योंकि भक्त की विशेषता ये होती है कि वो अपने आप को छिपा के रखते हैं, प्रदर्शन नहीं करते अपना कि मैं भक्त हूँ, क्योंकि मान सम्मान की उन्हें कोई कामना नहीं होती। और जिनकी भक्ति बहुत लो लेवल की होती है उनके अंदर मान प्रतिष्ठा प्रशंसा इन सब की कामनाएं होती है, वो अपना प्रदर्शन करते रहते हैं कि मैं कितना बड़ा भक्त हो गया। ही वुड टेक अ बैग ऑन हिज शोल्डर एंड गो बैग आर्म्स। वो आपके कंधे पे एक थैला उठाते और चले जाते भिक्षा मांगने। फ्रॉम हाउस टू हाउस से नवदीप घर घर में जाते नवदीप में। ही वुड क्राई वाइल चैंटिंग द नेम्स ऑफ कृष्ण डे एंड नाइट। उनके आँखों में अश्रु धारा बहती जब वो कृष्ण नाम का जप करते थे रात और दिन। पीपल थॉट ही वॉज अ बेगर एंड देयरफॉर कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। लोगों को लगा कि वह भिक्षु का और उसे पहचान नहीं सके। ही वॉज सो पुअर देयर ही हैड टू बेग आर्म्स टू मेंटेन हिमसेल्फ। वो इतने गरीब थे कि उन्हें भिक्षा मांगनी पड़ी अपना भरण पोषण के लिए। वास्तव में दिखता तो है कि ये घर घर जा रहे हैं मांगने के लिए, लेकिन इनका मूल उद्देश्य क्या होता है? चैतन्य चैतन्य मध्य खंड में लिखा हुआ है, इट इज द जनरल प्रैक्टिस ऑफ ऑल सेंटली पीपल टू डिलीवर द फॉलन। यानी संतों का उद्देश्य होता है पतितों का उद्धार करना। देयरफॉर दे गो टू पीपल हाउसेस ऑल्दो दे हैव नो पर्सनल बिजनेस देयर। इससे वो लोगों के घर जाते हैं, दिख तो रहा है कि वो भिक्षा मांगने जा रहे हैं, वास्तव में उनका उद्धार करने जा रहे हैं। क्योंकि जब वो किसी से कोई चीज़ लेते हैं ना, उनको कथा देनी पड़ती है, उनसे हरिनाम करवाना पड़ता है, तब जाके उनका लेना सार्थक होता है। अगर आप केवल भिक्षा लोगे और उन्हें कुछ दोगे नहीं तो क्या होगा, आप अपने पुण्य दे दोगे और उनके कर्म आप ग्रहण करोगे। इससे लेना आसान लगता, अच्छा लगता है, लेकिन उसके बदले को देना भी चाहिए। जो संत भिक्षा तो ले लेकिन उनके शोक का हरण ना करे, कोई गुरु हो चाहे कोई भी, शोक का हरण ना करे। कैसे शोक हरण होगा? भगवान की कथा के द्वारा। तो उसे नरक भोगना पड़ता है फिर, क्योंकि किसी के भी भोजन को पचाना आसान नहीं है, किसी के भी धन को पचाना आसान नहीं है। पहले तो 1 लाख हरिनाम करिए 64 माला, तब आपके अंदर क्षमता आएगी कुछ पचाने की। दूसरा को देना भी सीखे। जब आप दोगे नहीं किसी को कृपा, तो कृपा क्यों ईश्वर आपके प्रति करेंगे, क्यों वो आपके ऊपर कृपा करेंगे? कहते हैं जो दिया क्या तूने उसका वितरण किया है? जो दिया पहले वितरण का, तब तेरे को और कृपा मिलेगी।
इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है जो उसके पास है वो वितरण करे, कथा वितरण करे, नाम वितरण करे, सामने वाले को सुख पहुंचाए। कथा सुनने से उसकी दृष्टि परिवर्तित होगी, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, नाम जप करेगा और फिर प्रभु उसको अपने आप खींच लेंगे अपने प्रति। कैसे खींचना वो उनकी समस्या। ऑल द बैगिंग ड्यूरिंग द डे द ब्राह्मण ऑफर्ड वट एवर ही रिसीव टू कृष्णा एंड एक्सेप्टेड हिज रेमनेंट। जो कुछ उन्हें प्राप्त होता था भिक्षा के द्वारा वो ब्राह्मण भगवान को अर्पण करता था और उनके भोग को ग्रहण करता था। इन दिस इन द एक्सेस ऑफ रिसीविंग कृष्णा मर्सी ही डिड नॉट नो पॉवर्टी। यानी उससे ये लगता कि मुझे कृष्ण की कृपा मिल रही है, जब मैं भगवान का भोग लगा रहा हूँ भगवान का प्रसाद मुझे मिल रहा है, यानी उनकी कृपा मिल रही है, तो उन्हें अपनी दरिद्रता का ज्ञान ही नहीं रह जाता, वो भूल जाते थे। प्रेम तो भूलने की तो वस्तु है, भूलना नहीं था। He would chant कृष्णा नेम एज ही वंडर फ्रॉम हाउस टू हाउस। वो कृष्ण के नाम का जप करते और घर घर जाते, लोगों को उपदेश देते भजन करने का। यही तो महाप्रभु चाहते हैं, जो इंसान महाप्रभु की क्रिया को आगे बढ़ाता है उसके उद्देश्य को, वो महाप्रभु का प्रिय बन जाता है। क्योंकि जो वो चाहते थे प्रत्येक जीव का उद्धार हो, जीव दुखी है विमुख होने के कारण, उन्हें कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, लोग उनको मूर्ख बना रहे हैं, उनको कर्म कांड में लगा रहे हैं, उनसे भक्ति नहीं करा रहे, नाम नहीं जपा रहे। कलयुग का धर्म हरिनाम है, उनका उद्धार कैसे होएगा? तो जिसके पास ये समझ है कि युग धर्म का ही पालन करना है, तब क्या होएगा, वो किसी जगह युग धर्म का पालन कराएगा, अरे हरिनाम संकीर्तन कराएगा, तब भगवान की विशेष कृपा का पात्र। देखो आप ईमानदारी से प्रयास करो, सफलता होए या नहीं हो वो अलग बात है। आपने ईमानदारी से प्रयास किया आपको कृपा मिल जाएगी, भगवान उसी से प्रसन्न होंगे। क्योंकि फल तो भगवान के हाथ में, किसका हृदय बदलना या नहीं बदलना वो प्रभु की कृपा पर निर्भर करता है। हु कैन रिकॉग्नाइज अ रेसिपिएंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य मर्सी। अरे भगवान की कृपा के पात्र का कौन पहचान सकता है? ओनली वन हु इज फेवर्ड बाय द लॉर्ड इज एबल। जिस पे भगवान की कृपा होती है वही भगवान को या उनके भक्तों को पहचान पाता है। यानी प्रत्येक मनुष्य में क्षमता नहीं है भगवान को या उनके भक्तों को पहचानने की, भगवान की कृपा से ही जीव उनको जान सकता है। शुक्लंबर एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ विष्णु जस्ट एज द पुअर दामोदर डिड प्रीवियसली। मतलब क्या है? शुक्लंबर जो है भगवान की भक्ति करते थे, विष्णु के भजन करते थे, जैसे दामोदर करते थे पहले। यानी दामोदर मतलब कि ये कृष्णा अवतार में ये श्री दामा थे तो वो उनकी सेवा करते थे, या सुदामा नाम के थे भक्त और जैसे वो सेवा करते थे उसी भाव से ये भी करते थे। विश्वंबर विष्णु सच मर्सी ऑन हिम दैट ही वुड रिमेन इन साइड द हाउस टू वॉच द लॉर्ड डांस। महाप्रभु ने ऐसी कृपा उसके ऊपर बरसाई कि वो घर के अंदर रह के भी प्रभु के नृत्य को देखते थे। ऑन सीइंग द ब्राह्मण डांस इन एक्सटेसी, ब्राह्मणों को उस ब्राह्मण को नृत्य करते हुए देखे विद बैग ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पे झोला लटकाए हुए, द लॉर्ड एंड ऑल द वैष्णव लव, भगवान और सारे वैष्णव हंसते थे। एज विश्वंबर सैट डाउन इन द मूड ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान जब ऐश्वर्य भाव में बैठे, शुक्लंबर डांस क्राइड एंड लाफ विद द बैग ऑन हिज शोल्डर। शुक्लंबर जो है नृत्य करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, उनके कंधे पे झोली लटकी हुई है। वाइल वॉचिंग शुक्लंबर द मोस्ट मर्सीफुल गौरांग रिपीटेडली कॉल आउट टू हिम कम कम। शुक्लंबर को देखते हुए अति कृपालु दयालु गौरांग उन्हें बुलाते हैं, क्या कहते हैं, आइए आइए, यू आर माय पुअर सर्वेंट बर्थ आफ्टर बर्थ, तू मेरा दरिद्र सेवक है हर जन्म में, यू गिव मी एवरीथिंग एंड रिमेन अ बैगर, तू अपना सब कुछ मुझे अर्पण करता और स्वयं भिखारी रहता है। क्योंकि भक्तों के भाव क्या रहते हैं कि मेरा है ही क्या जो मैं अपने पास रखूँ, जो कुछ है वो प्रभु का है और प्रभु की वस्तु मुझे प्रभु को ही अर्पण करनी है,
उनके अंदर अपनापन संसार के प्रति नहीं रहता, उनके अंदर अपनापन रहता तो सिर्फ कृष्ण के प्रति रहता, किसी के प्रति सिर्फ कृष्ण मेरे है और मैं कृष्ण का हूँ, उनकी वस्तु मेरी नहीं। आई ऑलवेज डिजायर या फूड सब, मैं हमेशा तेरे रोटी की या तेरे पकवान की मैं इच्छा रखता हूँ। इवन इफ यू डोंट गिव मी आई फोर्सिबली टेक एनी देम, तो मुझे नहीं भी देगा तो भी मैं छीन के उसे खा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेमी से ही तो लेंगे, प्रेमी के ही तो चीज़ें उन्हें मीठी लगती है। प्रभु को वस्तु से कोई लेना देना नहीं, उसके पीछे क्या भाव है, कितने प्रेम से दे रहे हो, उस प्रेम का प्रभु आस्वादन करते हैं, इससे उसकी मिठास बढ़ जाती है उस प्रेम से अर्पण करने के कारण। वस्तु से उन्हें कोई लेन देन नहीं है। Did you forget that I forcibly ate a broken rice in Dwarka? क्या तू भूल गया कि मैंने तेरे चावल खाए थे, टूटे हुए चावल खाए द्वारका में? नहीं, कौन थे? सुदामा थे, पूर्व जन्म में कृष्ण में सुदामा थे, और सुदामा थे तो मैंने तेरे चावल खाए थे छीन के। तू उधर भी दरिद्र था, मैंने तुझे अपार ऐश्वर्य दिया लेकिन तेरा मन नहीं लगा, आज तो मेरे भजन में लगा रहा। कमला दी गॉडेस ऑफ फॉर्चून गॉट होल्ड ऑफ माय हैंड, मैंने एक मुट्ठी खाई, दूसरे खाने लगा तो मेरे हाथ पकड़ लिए, कहते बस करो अभी। आफ्टर स्पीकिंग इन दिस वे विश्वंबर टुक अ हैंडफुल ऑफ अनकुक फ्रॉम शुक्लंबर बैगिंग बैग एंड बिगन ईटिंग इट, ऐसा कहने के बाद विश्वंबर क्या करते हैं, मुट्ठी भर जो पका हुआ चावल नहीं है यानी कच्चे चावल है, शुक्लंबर के झोली से निकालते हैं, उसे खाना शुरू करते हैं। शुक्लंबर एक्सप्लेन, शुक्लंबर कहते हैं ओ लॉर्ड यू हैव रुइन मी, आपने मुझे बर्बाद किया, दिस राइस इज फुल ऑफ ब्रोकन पार्टिकल, ये तो सारे टूटे टूटे हुए चावल है, टुकड़े हैं, ये तो पूरे चावल भी नहीं है। द लॉर्ड रिप्लाइड आई ईट योर ब्रोकन राइस एंड आई टर्न माय फेस अवे फ्रॉम द नेक्टर ऑफर्ड बाय नॉन डिवोटीज, प्रभु कहते मैं तेरे टूटे हुए चावल को खाता हूँ और अपना मुख मोड़ लेता हूँ उस अमृत से भी जो अभक्त मुझे देते हैं, यानी मुझे अमृत भी नीचे मैं उसका देखता भी नहीं हूँ जो अभक दे रहे हैं, और ते टूटे हुए चावल को मैं जरूर ग्रहण करता हूँ। द लॉर्ड हु इज इंडिपेंडेंट फुल ऑफ एक्सटेसी एंड द लाइफ ऑफ द डिवोटी, भगवान जो स्वतंत्र हैं, भाव में डूबे हुए हैं और भक्तों के प्राण है, एट दैट अनकुक राइस, उन्होंने वो चावल खाए जो पके भी नहीं थे, हु कुड स्टॉप, उन्हें कौन रोक सकता है। On seeing the Lord compassion, all the devotees began to cry while holding their hand. भगवान की दयालुता देखे सारे भक्त रोने लगे उनके हाथ पकड़ते हुए। No one knew who fell where as they cried. किसी को नहीं पता कौन किधर गिरा रोते हुए। Everyone was overwhelmed on seeing such compassion. सभी भाव में डूब गए थे उस दयालुता को देख के। Then they began to chant the glories of Krishna in great ecstasy. फिर सभी लोग कृष्ण की महिमा का गुणगान करने भाव में। Everyone cried from the children up on up to the aged. सभी रोने लगे बच्चों से लेकर बुढ़े तक। Someone held straw between his teeth. यानी किसी ने तिनका दबाया यानी अति दीनता पूर्वक। Someone offered obeisances, कोई प्रणाम करते हैं। एंड अनदर सेट ओ लॉर्ड नेवर लीव, और कोई कहता है प्रभु मेरा त्याग मत करिए। द पायस शुक्लंबर रोल ऑन द ग्राउंड, जो पुण्यशाली शुक्लंबर है जमीन पर लोटपोट होते हैं। एज द लॉर्ड ऑफ वैकुंठ हैप्पीली एट दैट राइस, और जब वैकुंठ के अधिपति जो है स्वामी है वो चावलों को ग्रहण करते हैं। द लॉर्ड सेड लिसन शुक्लंबर ब्रह्मचारी, प्रभु कहते हैं शुक्लंबर ब्रह्मचारी सुनिए, I constantly enjoy pastime in your heart. मैं आपके हृदय में आपके लीला का आस्वादन करता हूँ। When you eat, I eat. जब आप खाते हो तो मैं भी खाता हूँ, क्योंकि भक्तों के माध्यम से प्रभु खाते हैं। इससे भक्तों को खिलाना प्रभु को खिलाने के समान माना गया है। एक होता है भाई अग्नि में हवन करना, तो वो तो त्रेता में बात ठीक थी, द्वापर में चलो हो जाता रहा। कलयुग में कोई ब्राह्मण में क्षमता नहीं जो किसी देवी देवता को आह्वान करके प्रकट करे, तो ऐसे लोगों को क्या करे,
तो कहते हैं कि भक्तों को खिलाओ, भक्तों के माध्यम से प्रभु उसे ग्रहण करते हैं। जब भक्त के मुख में जाता है, जो भजन वो प्रेमी भक्त होते हैं भजन नंदी, उनके माध्यम से प्रभु को बड़ा आनंद आता है। When you eat, I, when you walk about for begging, that is my walking. जब तू जाता है भिक्षा मांगने के लिए, उस समय मैं ही जा रहा हूँ एक किस्म से। I have incarnated to distribute प्रेम भक्ति, मैंने अवतार लिया प्रेम भक्ति वितरण करने के लिए। You are my beloved servant birth after birth, तू मेरा प्रिय जन है हर जन्म में। यानी जो प्रिय जन होते हैं वो मोक्ष नहीं चाहते ना लेते हैं, प्रभु के हर लीला में अवतरित होते हैं और प्रभु की सेवा में नियुक्त होते हैं और रस का आस्वादन करते हैं। अगर मुक्ति मांगी होती तो फिर कैसे सेवक बन के सेवा करते, प्रभु के साथ प्रभु के धाम जाते हैं और प्रभु के साथ ही आते उनकी लीला में सम्मिलित होते हैं। आई नाउ गिव यू प्रेम भक्ति, मैं अब तुझे प्रेम भक्ति अर्पण कर रहा हूँ। नो फॉर सर्टन द प्रेम भक्ति इज माई लाइफ एंड सोल, प्रेम भक्ति मेरे प्राण और आत्मा है जो मैं तुझे अर्पण कर रहा हूं। क्या दे रहे प्रेम भक्ति, प्रेम। ऑन हियरिंग द बेनिडिक्शन शुक्लंबर रिसीव, और जो वर मिला था शुक्लंबर को, ऑल द वैष्णव चैंटेड जय जय हरि हरि, सारे वैष्णव कहने लगे जय जय हरि हरि। The servant or Lakshmi Lord begged from door to door, जो प्रभु के सेवक है लक्ष्मी के स्वामी उनके जो सेवक होते हैं वो घर घर भिक्षा मांगते हैं। What fortunate soul can understand the mystery of such pastime, कौन भाग्यशाली समझता है इसके पीछे रहस्य क्या है, क्यों ये दरिद्र होते हैं, क्यों भिक्षा मांगते हैं, ताकि आपका उद्धार करने के लिए, तो आप दोगे तो आप पे कृपा होगी, वो हमारे मंगल के लिए आते हैं। प्रभु ने इनको इस अवस्था में इससे रखा है कि हम सेवा करें, किसकी सेवा करोगे, सेवा के लायक भी तो कोई होना चाहिए पात्र। तो ऐसे वैष्णव का अगर दरिद्र रखेंगे, आप उनकी सेवा करोगे तो उनसे जो आशीर्वाद मिलेगा आपका उद्धार होगा, और आप उनसे कथा सुनोगे और उस कथा सुनने का फल नाम जप करोगे। तो कई ये प्रारब्ध नहीं चल रहा, ये प्रभु की इच्छा से हमारे मंगल करने के लिए उनको इस प्रकार रखते हैं। अगर उनके पास धन होगा तो आप बोलोगे तो उसका जरूरत ही नहीं, मैं किसको दूं, तो आपका उद्धार कैसे होगा, जब कोई पात्र ही नहीं लेने वाला तो आपका उद्धार कैसे होगा, आप किसकी सेवा करोगे, फिर तो को पात्र की करोगे, और को पात्र करने से तो आपको पतन हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं भगवान और उनकी भक्ता को लीला असंभव है समझना, क्यों भक्त को स्थिति में रखा है ये प्रभु ही जानते हैं, क्या उनका उद्देश्य है। ये नहीं कि प्रभु उसको दे नहीं सकते थे, उसको बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन जानबूझ के रखा हम लोगों का उद्धार करने के लिए, हमारे हाथ से सेवा करवाने के लिए। इसलिए वो हम पे एहसान नहीं करते, लेके हम उन पे एहसान करें उनको देके, नहीं सॉरी, हम एहसान नहीं करें उनको देके, वो हम पे एहसान करें हमसे लेके, हमारा उद्धार कर रहे हैं वो लेके। जिसने ये नहीं सुना कि मैं नहीं देता तो कौन देता, मैंने एहसान किया देके, नहीं, उसने आप पे कृपा किया आपसे लेके, आपका उद्धार कर रहा है वो। वो स्वयं मुक्त, उसको जरूरत ही नहीं है, उसको बंधन की भी जरूरत नहीं, वो आया है प्रभु के साथ तेरे पे कृपा करने के लिए। तो उसको जो इस प्रकार के भक्त होते हैं उनको भिखारी नहीं मानना चाहिए, उनके पास प्रेम धन बहुत होता है, वो आपको उधार करके तार भी सकते हैं। Whatever rice Shuklamba collected by begging at 10 houses was forcibly eaten by Gaurachanda, the husband of Lakshmi. तो कहते जो भी चावल वो इकट्ठा करते थे भिक्षा मांगते हुए 10 घरों में जाके, उनका बलपूर्वक गौरचंद्र छीन के खा लेते थे, जो लक्ष्मी के पति है उसको लेके खाते। तो सोचो लक्ष्मी जिनके चरणों में सेवा करती है वो छीन के खाए, प्रेम नहीं तो क्या, कितना प्रेम होएगा, क्योंकि सुदामा थे पूर्व जन्म में, तो वो सुदामा का प्रेम ही है जो इस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और प्रभु उसे छीन के खा रहे हैं। द लॉर्ड हु इज द रिजर्वर ऑफ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, प्रभु जो दिव्य गुणों के सरोवर हैं,
पर्सनली एक्सप्लेन टू द वेदा द रूल्स फॉर ऑफरिंग फूड. उन्होंने वेदों के माध्यम से समझाया है कि किस प्रकार भगवान को भोग लगाया जाता है. He does not accept anything unless it is offered to those rules. नहीं उस नियमों के अनुसार नहीं चलोगे तो प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे. But he break all those injunctions for the sake of a devotee. लेकिन अपने भक्तों के लिए वो सारे नियमों को तोड़ देते हैं, छीन लेते हैं, भीख मांग के खाते हैं, छीन के खा लेते हैं, इधर कोई भोग भोग नहीं लगता, नियम सारे खत्म हो जाते हैं. क्योंकि प्रेम की प्रधानता है, प्रेम में सारे नियम खत्म हो जाते हैं. प्रेम के लिए नियम चाहिए, नियम होएगा तो प्रेम उत्पन्न होएगा, लेकिन प्रेम उत्पन्न होने के बाद सारे नियम खत्म हो जाते हैं. नियम से भजन करोगे, कथा सुनोगे, साधु संग करोगे तो धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न. एक बार प्रेम उत्पन्न हो गया फिर और उसके ऊपर कोई नहीं, फिर नियम की परवाह नहीं की जाती है. फिर जो करोगे सब नियम के अनुसार ही होता है और प्रभु सबको ग्रहण करते हैं. लेकिन आज हम नियम का फॉलो नहीं करेंगे तो हम दोष के भागीदारी बन जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में प्रेम अभी नहीं उत्पन्न हुआ है. The acceptance of शुक्लंबर राइस is proof of this. शुक्लंबर के चावल को ग्रहण करना ये सबसे बड़ा प्रमाण है. Therefore, devotion is the life of all the rule. इससे भक्ति सर्वोपरि है, इससे श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है. सारे नियम जो है वो भक्ति में ही एंड होते हैं. All rules and regulation are servants of devotional service. जितने भी नियम हैं वो भक्ति के अधीन है, वो सेवक है, भक्ति के सेवक है. जितने भी नियम और बताए गए कायदे अंदर क्या करना क्या नहीं करना सब भक्ति के अंतर्गत आते हैं, भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है. वन हु इज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस इज वैंक्विश्ड. जो परेशान होता है उसका नाश होता है कि भाई उसका भक्ति प्रिय नहीं है. तो वेद व्यास हैज स्टेटेड दैट डिवोशन इज द रूट ऑफ ऑल रूल्स. तो वेदव्यास ने स्वयं कहा है, क्या कहा है कि भक्ति ही सारे नियमों की जड़ है. एंड गौरांग हैज डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेटेड. अब महाप्रभु ने इसको प्रत्यक्ष रूप में दिखाया है. पद्म पुराण में क्या कहते हैं, कहते हैं कि डूज एंड डोंट्स क्या है, कि क्या करना क्या नहीं करना. तो हमको तो 500 नियम बताए जाते ये करो. देखिए पद्म पुराण क्या कहता है. कृष्ण इज द ओरिजिन ऑफ लॉर्ड विष्णु. विष्णु के मूल कृष्ण ही है, यानी विष्णु की उत्पत्ति कृष्ण से हुई है. उनके विस्तार एक किस्म से ही शुड ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एंड नेवर फॉरगॉटन एनी टाइम. यानी एक ही नियम है, उसको हमेशा याद रखो और डोंट्स क्या क्या नहीं करो उसको कभी मत भूलो, बाकी सब उसके अंतर्गत आ गए. कृष्ण को हमेशा स्मरण भरे यही डूज है, और कृष्ण को कभी मत भूलो यही डोंट्स है, बाकी सब इसके अंतर्गत आ गए. सारे नियम आपने सुन दिए और कृष्ण को भूल गए वो सब जीरो है. ये पद्म पुराण का श्लोक है. तो ऑल द रूल्स एंड प्रोहिबिशन मेंशन इन द शास्त्र शुड बी द सर्वेंट ऑफ दीज टू प्रिंसिपल. जितने भी नियम और नहीं करने हैं, डोंट्स बताए गए जो नहीं करने हैं जो शास्त्र के अंदर, वो सब इनके अधीन है, इनके सेवक है. इन दो नियमों के नियम क्या, कृष्ण के हमेशा याद बनी रहे और कृष्ण को हम कभी ना भूले, बस ये दो चीज याद हो गई, बाकी सब इसके अंतर्गत. सब कुछ ज्यादा कृष्ण को ही नहीं याद हुआ तो फिर क्या फायदा, फिर सब जीरो हो जाता है. The Brahman did not offer the rice with mudras, nor did he even offer it. Brahman ने ना चावल दिए कोई मुद्रा के माध्यम से और ना ही भगवान को भोग लगाया. Yet never the lost eagerly ate. फिर भी भगवान बलपूर्वक लेके खाते थे. क्यों? प्रेमी से लेके खाते हैं. और अब भक्त अमृत भी देगा तो देखेंगे भी नहीं, भूख मोड़ लेंगे, और प्रेमी नहीं भी देगा तो मांग के छीन के खाएंगे. यह परम सौभाग्य है कि प्रभु आपका जो धन है प्रभु की सेवा में यूज हो रहा है, आपका अर्थ जो है प्रभु की सेवा में यूज हो रहा है, वो तो परम भाग्यशाली होते हैं. प्रभु जिसे लेके मांगे खाए. कई बार ऐसा होता है आपके जेब में 10 रुपये ही होते हैं और आपको 10 रुपये कुछ खरीदना भी होता है, वो कोई ऐसे रूप प्रभु आएंगे आपसे 10 रुपये भी ले लेंगे, आपको चल के आना पड़ेगा. कृपा है, ये हर एक सदी सेवा ली जाती है.
इसलिए गिलानी करने के बजाय मैं तो 10 रुपये चले गए, मैं तो टिकट लेनी थी, मेरे को भी चल के जा, नहीं सोचो प्रभु ने कृपा करके मुझसे सेवा ली है, मैं भाग्यशाली हूँ। किसी भाग्यशाली ही सेवा कर सकता है, हर एक इंसान के पैसे सेवा में नहीं लग सकते, तो वो लेंगे भी नहीं, वो लगाना भी चाहेगा तो लेंगे नहीं। Persons who are blinded by the pride of material enjoyment cannot understand this mystery. जो लोग अंधे हुए हुए हैं अभिमान के कारण, गर्व के कारण और भोगों में फंसे हुए हैं, यानी उनके पास अपार धन है, भोग के कारण उनके आंखें अंधे हुए हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता सही क्या है। Intoxicated by the children, wealth and family prestige, they cannot recognize a vaishnav. उनके अंदर मत मैं तो कितने बच्चे हैं, मेरे पास अपार धन है, मैं बहुत इज्जतदार इंसान हूँ, वो ऐसे लोग जो हैं वैष्णव को नहीं पहचान सकते। वैष्णव को वैष्णव की कृपा से ही पहचाना जाता है, और भगवान भी वैष्णव की कृपा से, संघ की कृपा से भगवान को पहचान सकते हो। या भगवान अपनी कृपा से आपको जना दे तो ठीक है, या भगवान की कृपा से जानोगे, अपने बल से नहीं जान सकते, ना वैष्णव को ना भगवान को। कृष्णा नेवर एक्सेप्ट द ऑफरिंग एंड वर्शिप ऑफ वन हु रिडिकुल्स अ वैष्णव। भगवान कभी भी ग्रहण नहीं करते ना पूजा ना भोग जो वैष्णवों का मजाक उड़ाते हैं। कंसिडर हिम फूलिश और पुअर, उन्हें मूर्ख या दरिद्र मानते हुए जो उसका मजाक करते हैं उसको नीचा देखते हैं, ना उनकी पूजा ग्रहण की जाती है और ना ही उनके भोग ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए वैष्णवों के साथ छेड़खानी मत करो, बहुत भारी पड़ जाएगा। That Shri Krishna, that Shri Hari is controlled only by his devotee and does not even accept the worship of non-devotee. इस पे श्रीमद् भागवतम as follows, यानी भगवान भक्तों के अधीन है और अभक्तों से कुछ ग्रहण ही नहीं करते। ये भागवतम के अंदर आता है 34 स्कंद के 31वें अध्याय का 21वां श्लोक। क्या लिखते हैं? The supreme personality or Godhead becomes very dear to those devotees who have no material possessions. तो कहते हैं भगवान जो है बहुत ज़्यादा प्रिय है उन भक्तों के पास जो जिनके अंदर भौतिक वस्तुएं नहीं है। मतलब क्या है? अगर वस्तु है भी उनमें अपनापन, उनमें आसक्ति नहीं है, क्योंकि अपने केवल कृष्ण है और हम कृष्ण के, कृष्ण मेरे हैं, भगवान के अलावा कोई अपना नहीं है, ना हम किसी के हैं। और जड़ वस्तुओं को भूल ही जाओ, अगर प्रभु ने भाग्य से दे भी दिया तो उस पर अपनापन नहीं रखो, क्योंकि जड़ वस्तु है वो परिवर्तनशील है, नष्ट होगी, टूटेगी, खराब होगी होगी, तब आप बहुत दुखी होगे, ऐसा क्यों हो गया या ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए भगवान की कृपा से मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और है भी तो उसका अपनापन मत रखो, उसको उठा के भगवान की सेवा में यूज़ कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के पास कार है, कार से आप कथा पे जा सकते हो, दूर पे मंदिर भी जा सकते हो, फंक्शन भी अटेंड कर सकते हो, नहीं होगे तो शायद नहीं जा सकोगे, और है तो बारिश में भी जा सकते हो, 2-3 फंक्शन अटेंड कर सकते हो। तो यानी भगवान की सेवा में हर चीज़ यूज करना। भगवान ने एक वस्तु मेरे को क्यों दिया है? मेरे भोगने के लिए दिया है, उस सेवा के लिए दिया है, तो ताकि मैं उसकी और सेवा कर सकूँ और मेरे को हेल्प करने के लिए, और मैं भाव सागर से करूँ। मेरे भोग के लिए वस्तु नहीं दी गई मेरे को। बट आर फुली हैप्पी इन पोजेसिंग द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। और भक्तों हमेशा तृप्त रहते, आनंद रहते हैं अपनी भक्ति के कारण। भक्तों को कुछ चाहिए भी नहीं होता, क्या करें, कहते मैं क्या करूं वस्तु को लेके। देखो जिसके अंदर भजन है उसके अगर यदि ईमानदारी से करा तो उसके अंदर वैराग्य होगा ही होगा, कुछ तो होगा, फिर वो संसारिक वस्तुओं में फंसता नहीं है, उसके अंदर कामना नहीं होती संसारिक वस्तुओं की, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो कामना नहीं होती फिर उसके अंदर।
वो कहता मैं क्या करूँगा, मेरा क्या प्रयोजन है, मुझे जो वही चीज़ हो जो भजन में सहायता करे। और जिनके अंदर वैराग्य नहीं है, भोग की वृत्तियाँ, वो बड़े खुश हैं, वो ये चीज़ मुझे मिल गई, ये चीज़ मुझे मिल गई, उनको ये भाव उनके अंदर इस प्रकार के होते हैं। वो भूल जाते हैं कि बहुत खुश है तो कल वो चीज चली भी जाएगी, संसार में कोई चीज़ स्थायी नहीं रहती है, आज है तो कल नहीं रहेगी, नथिंग इज परमानेंट इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। फिर क्या होगा, बहुत परेशान हो गए। इंडीड द लॉर्ड रिलिशेस द डिवोशनल एक्टिविटी ऑफ सच डिवोटीज, और इस प्रभु ऐसे भक्तों के भक्ति का ही तो आस्वादन करते हैं, यही तो प्रभु करते हैं। दोज हु आर पफ्ड अप विद मटेरियल एजुकेशन, जिन्होंने अपनी विद्वता का बहुत अभिमान है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, PhD हो, MSc हो, MA हो, जो भी है पढ़ाई का, ये प्रभु बुद्धि के विषय नहीं है, प्रभु बुद्धि से परे है, प्रभु जो है कृपा के विषय है, उनको जानने के लिए उनकी कृपा चाहिए होती है, बुद्धि से नहीं समझ में आएगी, संत की कृपा या भगवान की कृपा। तो कहते हैं जिनके बहुत विद्वता का अभिमान है, वेल्थ का कि मैं बहुत धनवान हूँ, एरिस्टोक्रेसी की मैं बहुत अच्छे कुल का हूँ, एंड फ्रूटिव एक्टिविटीज और कर्म में बहुत ज़्यादा उलझे रहते, कर्म कांड में लगे रहते हैं, आर वेरी प्राउड ऑफ पोजेसिंग मटीरियल थिंग, उन्हें बहुत खुशी होती है, अभिमान होता है भौतिक वस्तुओं का, एंड दे ऑफन डिराइव द डिवोटी, ऐसे लोग जो होते हैं वो भक्तों का तिरस्कार करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, भक्तों का तिरस्कार करते हैं। इवन इफ सच पीपल ऑफर द लॉर्ड वर्शिप, द लॉर्ड नेवर एक्सेप्ट देम, ऐसे लोग अगर भगवान को कोई पूजा अर्पण भी करते हैं तो प्रभु उसको ग्रहण नहीं करते, क्यों, क्योंकि तुम भक्तों का तिरस्कार करते हो, तुम्हारे अंदर अभिमान है धन का, विद्वता का, कर्म का, हर चीज का, तो इसलिए प्रभु तुम्हारी कोई चीज ग्रहण नहीं करेंगे। ऑल द वेद सिंह, सारे वेद क्या गाते, कृष्णा इज द लाइफ एंड सोल ऑफ दोज हु हैव नो मटेरियल पोजेशन, कृष्णा ही प्राण और आत्मा उन लोगों के कि जो भौतिक वस्तुओं को अपना मानते नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब कि अपनापन संसार में किसी वस्तु के प्रति नहीं है, जो है उसे कृपा मानते हैं और कृपा मान के प्रभु की सेवा में नियुक्त करते हैं, उस पर अपनापन नहीं है, भोग अपनापन होएगा तो भोग की वृत्ति होगी, अपनापन नहीं है, आपने मुझे चीज धरोहर दिया कुछ समय के बाद आपको लौटाने, उसका मैं कैसे भोग के लिए यूज कर सकता हूँ, मुझे आपको देनी है, इसलिए भक्त मानते नहीं कोई जपनी है तो मैं उसका कैसे उपभोग करूं, मेरे प्रभु की वस्तु प्रभु की सेवा में जानी है उसको। गौरंग पर्सनली डेमोंस्ट्रेटेड, प्रभु ने ये खुद प्रकाशित किया है, वन हु हियर्स अबाउट द लॉर्ड हाउ द लॉर्ड ए शुक्लंबर राइस अटेन अन अलर्ट डिवोशनल एट द फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, कोई इस प्रसंग को सुनता है कि प्रभु ने किस प्रकार चावल खाए थे, उसे अन्य भक्ति प्राप्त होती है महाप्रभु के चरणों में, एक्सेप्टिंग दी श्री चैतन्य एंड नित्यानंद प्रभु एज माय लाइफ एंड सोल, आई वृंदावन दास सिंह द ग्लोज ऑफ द लोटस फीट, मैं महाप्रभु नित्यानंद जी को अपने प्राण और आत्मा मानते हुए मैं वृंदावन दास ठाकुर जो है क्या कह रहे उनके चरणों की महिमा का गुणगान करता हूँ। अब हम पढ़ेंगे द लॉर्ड वॉन्डरिंग थ्रू नवदीप एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिवोटी ग्लोरी, भगवान जो है नवदीप में भ्रमण करे हैं और उनके भक्तों की महिमा, उस विषय को पढ़ते हैं। ऑल ग्लोरीज टू महाप्रभु श्री गौर सुंदर, ऑल ग्लोरीज टू नित्यानंद हुज बॉडी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी वन वर्शिप, यानी उन महाप्रभु की जय जय जयकार हो और नित्यानंद जी की भी जय जयकार हो, जिनका शरीर है सबके उपासना का विषय है, यानी सभी लोग इनकी उपासना करते हैं। द टॉपिक्स ऑफ मध्यखंड आर लाइक ड्रॉप्स ऑफ नेक्टर, मध्यखंड के जो भी विषय हैं वह अमृत की बूंदों के समान है। बाय हियरिंग दिस टॉपिक वन एथिस्टिक मेंटेलिटी इज वैनक्विश्ड, जो इन विषयों को सुनता है उसकी जो बुद्धि जो नास्तिकपना जो होता है वह नष्ट हो जाता है और वह भक्त बन जाता है। इन दिस वे लॉर्ड विश्वंबर कैप्ट इज आइडेंटिटी कंसील्ड,
while constantly performing संकेतन in नवदीप. इस प्रकार विश्वंबर जो है यानी महाप्रभु जो है अपने स्वरूप को छुपा के रखते हैं और लगातार संकेतन करें नवदीप में. When the Lord wandered throughout the city, everyone who saw him thought he was Cupid himself. जब प्रभु घूमते थे शहर में नवदीप में, सभी को क्या लगता कि स्वयं कामदेव यहाँ पे घूम रहे हैं, क्योंकि कामदेव बड़े सुंदर माने गए हैं. ऑफकोर्स प्रभु की सुंदरता करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, तो कामदेव से तुलना करना तो बहुत छोटी बात है, लेकिन आम इंसान को यही लगता था कि वो स्वयं कामदेव घूम रहे हैं. इन ऑर्डनरी डीलिंग द लॉर्ड अपियर टू बी फुल ऑफ प्राइड. आम व्यवहार में ऐसा लगता था कि प्रभु के अंदर अभिमान है. इवन एथिस्ट वर फ्रैटेंड बाय सीइंग द स्ट्रेंथ ऑफ हिज नॉलेज. नास्तिक भी घबराते थे जब उसके विद्वता को देखते थे कि इसके अंदर कितना ज्ञान है. द लॉर्ड कंसिडर्ड द भट्टाचार्य हु वर सपोज्ड टू बी लर्नड इन ग्रामर एंड नो बेटर देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास. तो प्रभु जब भट्टाचार्य हैं जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं व्याकरण को, उनको एक घास के तुच्छ तिनके की तरह उनको मानते थे. इन हिज ओन एक्सरसाइज द लॉर्ड केप्ट हिज आइडेंटिटी कवर्ड एज ही वांडर्ड थ्रूआउट द सिटी इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी. अपने भाव में प्रभु जो है अपने स्वरूप को छुपा के रखते हैं और जब वो भ्रमण करते हैं पूरे शहर में भक्तों के संग में, क्योंकि प्रभु का अवतार हुआ था इन सब का अभिमान तोड़ने के लिए. जिनके अंदर अपनी विद्वता का अभिमान था, व्याकरण का अभिमान था, तो प्रभु उन्हें तुच्छ मानते थे, कोई आदर नहीं देते थे, उनके अभिमान को तोड़ते थे और उनके साथ वार्तालाप करके उनको पराजित करते थे. जब तक पराजय जीवन में नहीं आएगी तब तक इंसान का अभिमान टूटेगा नहीं और तब तक उसके जीवन में दैनता नहीं आएगी. तो कई बार पराजय भी कृपा का ही लक्षण होती है कि भाई हमारा हम हार गए या सफलता नहीं मिली ताकि हमारा अभिमान टूटे और अपनी असमर्थता का बोध हो. जब असमर्थ मानोगे तो प्रभु का आश्रय लोगे. जब आश्रय लोगे यही तो प्रभु चाहते हैं, तो मेरी कृपा मिलेगी और मैं तुम्हें संसार से तारूंगा. द एथिस्ट जो नास्तिक लोग क्या बोलते हैं, ओ निमाय पंडित यू विल सून रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम द किंग. नास्तिक कह ओ निमाय पंडित तुम्हें बहुत शीघ्र ही राजा से आदेश प्राप्त होने वाला है. यू सीक्रेटली परफॉर्म कीर्तन एट नाइट एंड पीपल कॉन्स्टेंटली कर्स यू बिकॉज दे कैनॉट वॉच. तुम गुप्त रूप से कीर्तन करते हो रात के समय और लोग तुम्हें गालियाँ देते हैं, तुम्हें श्राप देते हैं, क्योंकि वो उसको तुम्हें देख नहीं सकते हैं. द कर्सेज ऑफ पीपल विल नॉट प्रूव फॉल्स बट विल सोन बेयर फ्रूट. जो लोगों जो तुम्हें जो गालियाँ दे रहे हैं, जो तुम्हें श्राप देते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल आएगा ही आएगा. वी आर टेलिंग यू दिस एज वेल विश, हम तेरे शुभ चिंतक है इसलिए कह रहे हैं. दिखा रहे शुभ चिंतक लेकिन अंदर से ईर्ष्या और शत्रुता के भाव रखते हैं लोग, क्योंकि जो प्रेम करेगा वो कभी श्राप नहीं दे सकता, कभी गाली नहीं दे सकता, निंदा नहीं कर सकता, वो कभी नहीं करेगा. अगर प्रभु नहीं दिखा रहे कीर्तन तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि वह अधिकारी नहीं है. हाँ, याचना करो, प्रभु से भीख मांगो, जरूर मिलेगा, लेकिन आप हक से जाओगे, हक से नहीं मिलता बाबा कोई चीज़. कोई कहेगा मैंने इतने तीर्थ के, इतनी माला की, मैं ये करता हूँ, मैं वो सेवा करता हूँ, दान करता हूँ, भूखा रहता हूँ, इसलिए कृपा होनी चाहिए, बिल्कुल कृपा नहीं मिलेगी. उधर तो याचना करनी पड़ती है, भीख मांगना पड़ता है, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरे पे कृपा कर दे, मैं प्रेम की भीख मांग रहा हूँ, मैं तो हर किस्म से अयोग्य हूँ. जब भीख मांगोगे, याचना तुच्छ अपने को महसूस करते हुए, तब प्रभु तुम्हें प्रेम देंगे. लेकिन हक जितलाओगे, मैंने इतनी माला की, इतनी यात्रा की, इतनी सेवा की, इससे मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलेगा, कभी प्रेम नहीं मिलेगा. इस प्रकार आप हक जितलाओगे, क्योंकि प्रभु प्रेम के विषय है, हक के अभिमान के नहीं. क्योंकि आपके अंदर अभिमान अपनी सेवा का, अपनी दान का अभिमान है, अपनी विद्वता का अभिमान है, तो प्रभु क्यों तुम्हें देंगे? वो स्वतंत्र है, वो तुम्हारे अधीन नहीं है, वो प्रेमी के अधीन है. दिन में दैन्यता होती है, जो दैन्य होता है उसके अंदर सहनशीलता होती है. सहनशीलता ही लक्षण है कि उसके अंदर दैन्यता है.
और वो भक्त है, क्योंकि प्रभु पर निर्भर है। भक्त का लक्षण क्या है? वो प्रभु पर निर्भर है। निर्भर कैसे होएगा? निरंतर जप करना ही निर्भरता का लक्षण है, क्योंकि तभी तो मैं आपके नाम का जप करो। निर्भर नहीं होगा तो आपके नाम का जप क्यों करूंगा? शरणागति का मतलब यही होता कि मैं प्रभु तेरे पर निर्भर हूँ। निर्भर कैसे? निरंतर तेरे नाम का जप करके। अगर नहीं करूंगा तो और मेरा आश्रय है कौन तेरे बिना? तो इसलिए यही लक्षण है शरणागति। जितना जाप ज्यादा करोगे उतनी आप अपनी शरणागति दिखा रहे हो कि आप कितने ज्यादा शरणागत हो प्रभु के प्रति, कितने ज्यादा उस पर निर्भर हो, उसकी कृपा पर निर्भर बैठे हो, तभी प्रभु की दृष्टि पड़ेगी। ज्ञानी क्यों नाम जप करेगा ज्यादा? वो दो चार करेगा बस हो गया, मैंने कर लिया, अपनी विद्वता का अभिमान होगा उसको, कल भी अपने कर्म कांड में फंसा रहेगा, मुझे उसका भौतिक सुख भोगने की इच्छा होती है। लेकिन भक्त का एक ही लक्षण होता है, वो नाम निष्ठ होता है। नाम निष्ठ ही भगवान पर शरणागत होता है, निर्भर होता है, और उसी को कृपा मिलती है। जो लोग नाम जप नहीं करते वो कभी भी प्रभु के कृपा के पात्र नहीं, क्योंकि वो शरणागत ही नहीं है, वो अपनी बुद्धि चलाते रहते हैं। अब बुद्धि की सीमा होती है, बुद्धि फेल हो जाएगी कुछ समय के बाद, क्या करोगे? कितनी चलेगी तुम्हारी बुद्धि? नहीं चलती, अभी फेल हो जाती है। कृपा ही चाहिए, बगैर हरि नाम के कृपा नहीं मिलेगी। निरंतर जाप करना पड़ेगा उस कृपा को प्राप्त करने के लिए। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप शरणागत हो। हजार दफा नाम लोगे शायद एक शुद्ध नाम उसमें निकला, एक शुद्ध नाम निकला। हजार बार हो सकता है एक नाम जो देवा आर्थ भाव से निकलाए, आर्थ भाव से हेल्पलेस टोटल। हजार बार लोगे प्रभु एक हार जाओगे बाप, तो वो एक नाम से प्रभु प्रकट होंगे। लेकिन दो चार दफा लोगे तो आर्थ भाव तो आने वाला ही नहीं इसके अंदर, ये तो गारंटीड है। आर्थ भाव से आना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कैसे कैसे होगा? और शुद्ध राम जो कहते हम शुद्ध राम, अगर एक शुद्ध नाम भगवान का प्रकट होता है तो हम तो कहते हम दो माला शुद्ध नाम करते हैं। तो जो शुद्ध नाम करता है तो उसके सामने तो प्रभु प्रकट हो जाने चाहिए, अब वो नाम को छोड़ कैसे सकता है? क्योंकि हरि नाम जो है अमृत से भी ज्यादा मादककारी है। जब रूप गोस्वामी कहते लाखों जीवा करोड़ों काम कम है तेरे नाम में इतना रस है, तुम तो शुद्ध नाम, तुमको तो इतना रस, तुम नाम छोड़ कैसे सकते हो? अगर नाम छोड़ रहे हो और तुम कहते हो मैं शुद्ध नाम ले रहा हूं, तुम झूठ बोल रहे हो। शुद्ध नाम हो ही नहीं रहा, क्योंकि शुद्ध नाम लेने वाला पागल हो जाता है, वो रोटी भी नहीं खाएगा। हमारे महेंद्रपुरी क्या करते, कुछ जो मिल गया दूध पी लिया सब पी लिया, नहीं तो भूखे रहते। हमारे रघुनाथ गोस्वामी क्या करते, डेढ़ घंटा ही विश्राम करते थे, वो मट्ठा पीते, कौन टाइम वेस्ट करेगा अब खाने में, मैं नाम मेरा छूट जाएगा। ये परिस्थिति भक्तों की होती है जो शुद्ध नाम करते हैं, वो नाम नहीं छोड़ सकते। तुम दो चार माला करते हो और क्या तुम शुद्ध नाम करते हैं, और तुम इतनी माला करते शुद्ध नहीं होता, ये झूठ बोलते हैं सब। करते करते ही शुद्ध नाम निकलेगा, करते करते ही निकलेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास करते रहोगे एक दिन परफेक्शन आएगी आएगी। अब अभ्यास ही तो क्या करोगे, और दो माला करोगे 23.5 घंटे संसार में होगे, फिर तुम क्या तुम्हारा मन लग रहा है? वो भी झूठ बोलते मन लगाए, 23.5 घंटे संसार में के मन तुम्हें लग ही नहीं सकता, क्योंकि तुम दो चार माला ही कर रहे हो। और जो 6-7 घंटे माला करते हैं और घंटा दो घंटा, उनका फिर भी 5-10 मिनट आधा घंटा मन लग सकता है। ये सब लोगों को विचलित करने के लिए भजन ज्यादा ना करें, शब्दों का खेल रचा जा रहा है कि लोग भजन ना करें विचलित हो, ये सब गलत चल रहा है। और कलयुग सफल भी हो रहा है चीज को करने में, और लोग को करना नहीं होता भजन, उनको मिल जाते वैसे बोलने वाले, बस करते संतों की सेवा। अरे संतो बनो संत, अभी राम नाम जपने से संत बनता है, बिगैर भजन के संत बना है? पहले संतो बनो खुद, बिगैर भजन के कौन संत बना है? ब्रह्मचारी कैसे बने? जगह मदाई 2 लाख हरि नाम करने से बने। वो वेश्या जो थे हरिदास ठाकुर के पास 3 लाख हरि नाम करने से हरिदासी बनी, तो हरि नाम से तो संत बने सब लोग। अब तुम कहते 10 वाला 20 वाला और संत अपने को कहलाते हो, कौन सी दृष्टि से संत हो मुझे बताओ, कौन सी दृष्टि से संत हो? प्रभुपाद जी ने कहा सेवा करो, प्रभुपाद जी ने जो कहा सही बाप का, क्योंकि प्रभु प्रभुपाद जी ने भगवान का साक्षात्कार किया 9 साल तक 192 माला के, वो सारे भक्तों को तारने में समर्थ थे। तुम तारने में समर्थ हो क्या मुझे बताओ? क्या तुम्हारी साधना है इतनी? क्या तुम्हारे अंदर इतना वैराग्य है जो प्रभुपाद जी के अंदर है? फिर तुलना मत करो प्रभुपाद जी के साथ, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने भोगों के लिए तुलना मत करो।
We are telling you, brothers, the Lord replies, so be it, Dominical Hondo. Let your words come true, hold up ke baat satya nikale. For I have a desire to meet ki meri bhi ichha raja se milne ki. Since I studied all the scriptures at an early age, kyunki maine shastra ko bahut choti umar mein maine pad liya tha, people consider me a child and do not challenge me. Log mujhe balak samajhte hain aur meri chunauti ko swikar nahi karte. I do not find anyone to challenge. Mujhe koi milta nahi jo mujhse chunauti kare. I wish to meet anyone who is prepared to challenge me. मैं उसको मिलना चाहता हूँ जो मुझे चुनौती देता है और मुझे पराजित कर सकता है, क्योंकि प्रभु आए सबके अभिमान को तोड़ने के लिए तो आए हैं। और मुझे पराजित, सब हारेंगे तभी तो हम टूटेगा, तभी तो प्रभु का प्रभाव फैलेगा, और जब प्रभाव फैलता है तो सभी लोग बात मानते हैं, एक साथ सभी लोग मानेंगे ये श्रेष्ठ है, इसकी बात माननी चाहिए। क्यों? पहले सबको हराया इन्होंने। The atheist said, the king will listen to your kirtan because he is a Muslim, he does not care for scriptural debate. तो नास्तिक कहते हैं, राजा जो है तुम्हारे कीर्तन सुन लेगा, लेकिन वो मुस्लिम है, इसलिए वो शास्त्र का जो है शास्त्र नहीं करेगा, वो शास्त्र नहीं करेगा। Considering the atheist as no better than a blade of grass, the Lord returned to his home. वो नास्तिकों को एक तुच्छ तिनके के समान मानते हैं, प्रभु अपने घर चले गए। प्रभु सिर्फ भक्तों को आदर दिया है, जो भक्त रहे उनकी परवाह भी नहीं किया, तुच्छ मान सकते हो। चाहे तुम कितने भी विद्वान हो, धनी हो, मेरे लिए तुच्छ तुम्हारे अंदर प्रेम धन नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम धन ही, क्योंकि मैं भी धन से खरीदा जा सकता हूँ, लेकिन प्रेम धन चाहिए मुझे खरीदने के लिए। बोले प्रेम धन को इकट्ठा करो, तब तुम मुझे खरीद लोगे। The Lord said, today I have talked to some atheists. प्रभु कहते हैं, मैंने आज कुछ नास्तिकों से बात की थी। Therefore, let us have kirtan so that my misery will be destroyed. इसलिए हमें कीर्तन कर, तुम्हारा दुख दूर हो, क्योंकि जब आप दुष्टों की बातों का स्मरण करोगे तो दुख आएगा ही आएगा। आप मूर्खों के दुष्टों को महत्व दे रहे हो, उसका चिंतन कर रहे हो, उसकी बातों को याद करके उसका कीर्तन करो, करना चाहिए था हरि कीर्तन, कथा सुननी चाहिए थी प्रभु की, महत्व दिए था प्रभु के संतों के शब्दों को, और तुम कर क्या रहे हो, किसको महत्व दे रहे हो? यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। दुख हमें कोई और नहीं दे रहा, हम अपने आप को दुख प्रदान कर रहे हैं दुष्टों का चिंतन करके, दुष्टों को महत्व देके, उसकी वाणी को हृदय में धारण करके हम अपने आप को दुख दे रहे हैं। बाहर हमें कोई दुख नहीं दे रहा है। अगर आपका मन भगवान में लगा है तो क्या वो दुख प्रदान करेगा, मुझे बताओ, काय का दुख? आपको जब ध्यान भी नहीं, परवाह नहीं की, तो फिर कैसे दुखी हो गए? क्यों पकड़ा उसको? भगवान के चरण क्यों नहीं पकड़े? भगवान की वाणी को क्यों नहीं पकड़ा? क्यों दुष्टों की बातों को पकड़ के बैठ गए हो? तो तुम वो रखो, तुमने महत्व दिया, देना चाहिए भगवान की वाणी को, और तुम दे दुष्टों की वाणी को। तो जीव अपने बुरी आदतों से ही दुखी होता है, वो अपने दुख का कारण खुद है, दूसरा नहीं है। इसलिए हमने अपने आप को सुधारना है। लेकिन बात है कि जीव मानता ही नहीं कि मैं गलत हूँ, सबको लगता है कि सामने वाले गलत है, सबको लगता है कथा तो उसके लिए, मेरे लिए है नहीं, जबकि सबके लिए सेम समस्या है, किसी में थोड़ी ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन कोई बंदा ये नहीं कह सकता वो इन समस्याओं से रहित है। As महाप्रभु the Lord of Vaikunth danced, all his servants surrounded him and sang. महाप्रभु जो थे वैकुंठ के पति जो हैं, नृत्य करे, सारे सेवक ने उनको घेर लिया और कीर्तन शुरू किया। और कपल ऑफ टाइम द लॉर्ड स्टॉप्ड एंड सेड, दो तीन बार प्रभु ने रोका और पूछा और कहा, वो ब्रदर, व्हाई एम आई नॉट फीलिंग एक्सटेसी टुडे, आज मुझे क्यों भाव की प्राप्ति नहीं हो रही, क्यों आज मैं भाव में नहीं डूब रहा हूँ? आई एम आई नॉट फीलिंग एक्सटेसी बिकॉज आई टॉक टू सम एथिस्ट इन द सिटी टुडे, मुझे भाव आज इसलिए नहीं आ रहे, आनंद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं नास्तिकों से बात की थी, क्योंकि दुष्टों से बात करोगे तो मन तो दुखी हो रहा, कुछ ना कुछ गलत बात तो करेंगे, सुनाएंगे सुनाएंगे। इससे कहते हैं कि दुष्टों से ना प्रेम अच्छा ना कला, उसको कुत्ते की तरह दूसरे उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, निग्लेक्टिव,
जैसे कोड़े को देखते हो क्या प्रेम को व्यवहार करते हो, उपेक्षा करके चलते हो, उसी प्रकार उपेक्षा करके जाओ, प्रणाम करो, हाथ जोड़ दो, राम राम बोलो, थोड़ा मान दे दो ताकि आपको तंग न करे और अपन निकल जाओ। क्योंकि उनको मान ही चाहिए, उनको कुछ लेना देना नहीं आपसे, तो फ्री में दे सकते हो, आपको तंग तो नहीं करेंगे कम से कम। पद्म पुराण में क्या लिखा गया है, उत्तराखंड के अंदर, दोज हु कंसिडर डेमिगॉड लाइक ब्रह्मा एंड शिवा एज द सुप्रीम लॉर्ड रेदर देन श्री नारायण द लॉर्ड ऑफ द एंटायर यूनिवर्स और सर्टनली पाखंडीज। तो कहते हैं जो देवताओं को ब्रह्मा शिव समेत उनको नारायण की तुलना में करते हैं कि वो एक ही है, कहते वो पाखंडी है, वो सारे प्रभु के सेवक है, हरि केवल हरि ही के समान। इसलिए भगवान ही कहते मैं अपने समान कहाँ जाके खोजो, इसलिए मैं स्वयं ही अवतार लेता हूं। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? अगर कोई और होते इनके बराबर, कहते मैं उनको भेज देता हूँ, आप देखा ना कि मेरे को आपके समान पुत्र चाहिए तो मैं भेज देता हूँ, अगर मेरे समान कोई और होता तो, कहते मेरे समान तो कोई है ही नहीं तो मैं खुद ही आता हूँ। ये फिर तुमने कैसे कह रहे सब एक है ना, फिर हम कैसे कहते सब एक ही तो है, एक कहा है? क्योंकि प्रभु साहब कृष्ण अवतार में भी यही बात बोलते हैं, राम अवतार में भी बोलते हैं कि मेरे समान तो मैं ही हूं। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए जी को? फिर भी जी इस बात को नहीं समझता, फिर कहते सब एक ही है, ये तो फिर मूर्खता है। और अन्य कांड में क्या लिखा है, उसकी परिभाषा क्या, जो बंधन और मोक्ष देने वाला और माया का प्रेरक वही ईश्वर है, जो बंधन भी दे सकता है और मुक्ति भी दे सकता है, और माया जिनके अधीन है उसको ईश्वर कहते हैं, और मायापति कौन है, हरि। मुक्ति कौन दे सकता है, हरि। कोई भी देवता ब्रह्मलोक से नीचे तक सभी तक काल के अधीन है, माया के अधीन है, वो मुक्ति कैसे प्रदान करेंगे तुम्हें बताओ? अगर शंकर जी मुक्ति देते तो राम नाम के बल पर मुक्ति देते हैं, अपने नाम पे तो नहीं देते। इधर काशी में मरने वालों के कान खड़े हो जाते हैं, राम नाम का उपदेश करते हैं, उसके नाम पे शिवलिंग पे राम नाम लिखा जाता है, बेल पत्ता राम नाम लेके चढ़ाया जाता है, तो राम नाम के बल पे तो मुक्ति देते हैं। माँ पार्वती भी देगी तो राम नाम के बल पर ही देगी, वो शंकर जी से राम कथा सुनती है और शिव और अमरनाथ की गुफा में भागवत सुनती है तो उनके प्रिय है, तो वो उन्हीं के नाम पे अपने नाम पे बल पे नहीं देगी, वो केवल भौतिक इच्छा पूरी करेगी, मुक्ति नहीं दे सकती, मुक्ति देगी किसी हरि भक्त से मिलाएगी और उसे हरि नाम करवाएगी तब उसको मुक्ति मिलेगी। और गणेश जी के ऊपर ये बात लागू होती है, वो स्वयं नाम निष्ठ है, तभी प्रथम पूजने बने, नाम की वंदना पढ़ लीजिए मानस के बालकांड में। तो सारे के सारे राम के अधीन है, राम भक्त है, तो फिर मुझे बताओ तो फिर मुक्ति कौन देगा? प्रभु के अलावा हरि के अलावा कौन दे सकता है? फिर हरि को छोड़ के हम कहते हैं एक ही है, कौन से बल पे? और उत्तर लंका कांड में क्या कहा है, काल प्रभु का धनुष पर समय का बाण चलाते हैं, काल उनके हाथ में है। समय क्या है, आज शनिवार था आया आपकी आयु हरण करके वापस आया, कल रविवार आएगा आएगा आपकी आयु हरण करके वापस आएगा, प्रभु का बाण चलता फिर वापस तरकस भी क्या होता है, समय का बाण आयु हरण करके तो वापस आता है प्रभु के पास, अगले हफ्ते फिर शनिवार आएगा, फिर रविवार आएगा, फिर सोमवार आएगा, तो ये काल का समय का बाण चल के आपकी आयु को हरण करके प्रभु के पास है, तो काल जब प्रभु के अधीन है तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि सब एक है, मुझे बताओ? सभी प्रभु के सेवक है, हरि को छोड़ के सभी प्रभु के सेवक है। हाँ प्रभु मान तो देते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे दास हो, या तुम मेरे बराबरी वाले हो, तेरे में भी कोई भेद नहीं, प्रभु बड़प्पन देना, प्रभु का स्वभाव मान देना, लेकिन भक्त अपने आप को दास ही मानता है। जैसे कहते गुरु मेरा ही स्वरूप है, मैं गुरु बन के आता हूँ, ठीक है, जो गुरु भाव सागर सारे भगवान का स्वरूप हमें मानना चाहिए, लेकिन गुरु अपने आप को दास मानता है, और कोई ये मानता है कि जो शिष्य मेरे पास है प्रभु का प्रतिनिधि बन के मन को हरिनाम दे रहा हूँ, प्रभु दे रहे मैं नहीं दे रहा उनका प्रतिनिधि, और अब जो प्रीति उनकी है वो भक्तों को प्रभु के चरणों में अर्पण करता है कि प्रभु से प्रेम अपने प्रति नहीं मेरे राम के प्रति करो। और संघ का काम क्या है, जीव को प्रभु की कथा सुनाना और उसके हृदय प्रेम उत्पन्न करना
आप प्रभु को जीव की व्यथा सुना के उनके अंदर करुणा उत्पन्न करना, यही संत का काम है। डोजो कैरी, ये पद्म पुराण का श्लोक है, डोजो डेकोरेट फोर एड एशेस फ्रॉम द क्रिमेटोरियम, जो सिर पे भस्म लगाते हैं चिता में से, शमशान में से, डोजो कैरी द बोन्स और डेड बॉडी, जो आप जो मुर्दे के हड्डियों को धारण करते हैं, डोजो वे नॉन वैदिक साइन, जो वेदों के अनुसार उस तिलक को धारण नहीं करते, डोजो के मैटेड हेयर और वेयर ट्री बार, जो बड़े बड़े बाल रखते जटाएं और छाल पहनते पेड़ों की, ऑल्दो दे आर नॉट वानप्रस, वो वानप्रस तो नहीं है, एंड डोजर अटैच टू नॉन वैदिक एक्टिविटी और सर्टनली पाखंडी, और जो वेद के विरुद्ध चलते वो सब पाखंड ही कहलाते हैं। ओ गॉडेस पार्वती, पार्वती दोज ब्राह्मण्स हु डू नॉट डेकोरेट देयर आर्म्स विद द मार्क्स ऑफ कॉन्चेंडिस, जो अपने शरीर पे शंख और चक्र धारण नहीं करते हैं, एंड डू नॉट डेकोरेट देयर फोरहेड विद द मार्क्स ऑफ तिलक, जो तिलक अपने सिर पे धारण नहीं करते हैं, विच आर मोस्ट डियर टू हरि, जो हरि को प्रिय और सटली पाखंडी, वो सब पाखंडी कहलाते हैं। ब्राह्मण्स हु डू नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शन ऑफ द श्रुतिज, ब्राह्मण जो है श्रुति के अनुसार नहीं चलते हैं, स्मृति के, वो ऑफर ओब्लेशंस टू डेमिगॉड लाइक इंद्र रेदर देन टू श्री विष्णु, जो आहुति देते हैं इंद्र को, देवताओं को, विष्णु को देने के बजाय, क्योंकि यज्ञ पुरुष कौन है, विष्णु, यज्ञ करने का अभिप्राय विष्णु की प्रसन्नता, द ओनली इंजर ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेज, केवल विष्णु ही भोगता है, हरि ही भोगता है, एंड द लॉर्ड ऑफ द ब्राह्मण के स्वामी है, एंड वो डिसरिगार्ड विष्णु एंड एस्टैब्लिश फ्रूटिव एक्टिविटीज, तो कहते जो विष्णु का निरादर करते हैं, कर्मकांड में लगे रहते हैं कर्मों में, एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन अटेन अ गोल ऑफ सर्टली पाखंडीज, तो कहते हैं जो स्वतंत्रता से कर्मकांड में लगे रहते हैं उनको लगता है इसी से सब कुछ मिलेगा, वो सब पाखंडी कहलाते हैं। If I have insulted you in any way, then please forgive my offenses and say my life. अगर मैंने आपका अपमान किया कोई भी तरीके से, मुझे क्षमा करिए और मेरे प्राणों की रक्षा करिए। अदे प्रभु द ग्रेट रेसिपिएंट ऑफ द लॉर्ड मर्सी फ्रॉन्ट एंड डांस एज ही सेड, अदे प्रभु जो है, जो प्रभु के विशेष कृपा के पात्र है, नाराज होके या नृत्य करता कहते हैं, हाउ विल यू फील एक्सटेटेड लव व्हेन नाडा हैज ड्रेन्ड यू, तो कहते हैं कि आपको कैसे प्रेम मिलेगा जब नाडा ने आपका सब कुछ छीन दिया है, यानी प्रेम ले लिया आपसे, नाडा द्वैचारे को कहते हैं। आई डू नॉट गेट लव ऑफ गॉड एंड नैदर द श्रीवास, मुझे प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा है और न ही श्रीवास का, यू इंजॉय योर पास्टम ऑफ एक्सटेटेड लव विद ऑयल मिलर्स एंड गार्डनर्स, आप जो है अपनी लीलाओं का आनंद लेते हो, उस प्रेम का वितरण कर रहे हो, किसके साथ, जो तेल निकालने वाले होते हैं या जो क्या बोलते हैं गार्डनर जो होते हैं बगीचे में, माली, माली के साथ। अवधूत हैज बिकम द सर्वेंट ऑफ योर लव, अवधूत को नितन जो है आपका सेवक बन गया प्रेम का, वाइल श्रीवास एंड आई आर लेफ्ट आउट, श्रीवास हरम तो बाहर हो गए हैं, वी आर नॉट क्वालिफाइड टू अटेन योर लव, हमारे में योग्यता नहीं आपका प्रेम प्राप्त करने की, वाइल दिस अवधूत हैज बिकम कम एंड वाइल दिस अवधूत हैज कम एंड बिकम द स्टोर कीपर ऑफ लव, ये अवधूत अवधूत को नित्यानंद जी जो आए हैं और वो क्या हो गया, वो आपके प्रेम के आश्रय बन गया, कंटेनर हो गया, प्रेम के पात्र बन गया, प्रेम उन्हीं के पास है अभी सब कुछ। ओ गोसाई, इफ यू डू नॉट अवार्ड मी एक्सटेटेड लव, आई विल ड्राई इट ऑल अप, देन डू नॉट ब्लेम मी, अगर आप अपना प्रेम मुझे प्रदान नहीं करोगे, मैं सब कुछ सिखा दूंगा, फिर मुझे आप ब्लेम नहीं करना। आचार्य गोसाई वॉज मैडन विद लॉर्ड चैतन्य लव, आचार्य गोसाई जो है वो प्रेम में पागल हुए हुए हैं, he did not remember what he said or what he did, उन्हें याद भी नहीं वो क्या बोलते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि प्रेम की अवस्था में इंसान को यही लगता है कि मेरे जीवन में प्रेम ही नहीं है। इनफैक्ट राधा रानी बोलते हैं मेरे जीवन में एक
परसेंट भी प्रेम नहीं है, एक थोड़ा भी प्रेम नहीं प्रभु के प्रति, और ना मैं प्रभु उसके कोई सेवा की ना कोई सेवा कर सकती हूँ। मैं बड़े अभागिनी हूँ, कौन जो राधा रानी प्रभु की कृपा पात्र है, प्रभु अपने सिर जिसके चरणों में रखते हैं, और प्रभु सोचो कहते हैं कि मैं तो सुंदर हूं, अगर मैं राधा रानी के प्रति आकर वो कितनी ज्यादा सुंदर होगी, कितनी श्रेष्ठ होगी कि मैं उसके प्रति आकर्षित हो रहा हूं, जिसकी पोजिशन कितनी हाई है कि दुनिया मेरे प्रति आकर्षित होती है और मैं उसके प्रति, तो मेरे से श्रेष्ठ होगा तभी तो मैं उसके प्रति आकर्षित हो रहा हूं। तो सोचो उसकी पोजिशन, वो कहती है राधा रानी कि मैं जिनमें लेश मात्र प्रेम नहीं और न मेरे जिनमें कोई सेवा है, मैंने कुछ किया ही नहीं प्रभु के लिए, और हमारे पास कुछ नहीं है, केवल अभिमान क्या, और मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं ही सेवा करो, मैं ही ये करो, मैं वो करो, क्या है? कुछ नहीं हमारे पास, इसका मतलब कि हमारी भक्ति जीरो है, क्योंकि हमारे अंदर केवल अभिमान है। अगर श्रेष्ठ भक्ति होती तो राधा रानी के भाव इस प्रकार के हमारे होते, क्योंकि जितनी भक्ति बढ़ती है उतनी दैन्यता जीवन में आती है। कृष्णा इंक्रीज द ग्लोरी ऑफ ए डिवोटी इन ऑल रिस्पेक्ट, कृष्णा जो है अपनी भक्तों की महिमा को बढ़ाते हर तरीके से, दे आर एबल टू सेल हिम वेरेवर दे वांट, वो जितना चाहे अपने भगवान को बेच सकते हैं, जिसको चाहे वो प्रेम प्रदान कर सकते हैं, लो अब प्रभु बिकते भी है भक्तों के अधीन। फॉर वन हु कैन सेल कृष्णा बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ए डिवोशनल सर्विस, वॉट इज अनयूजुअल ऑफ स्पीकिंग इन दिस वे, तो कहते हैं को कृष्णा को बेच सकता है भक्ति के बल पे, ये कौन सी अलग सी बात है इस प्रकार कहने में, वो तो भक्तों के अधीन तो ही होते हैं भगवान, और क्या है। गौर चंद्र इंक्रीज द ग्लोरीज ऑफ ए डिवोटेज इन वेरियस वे, भगवान जो अपने भक्तों की महिमा को कई प्रकार से वर्धन करते हैं, हु कैन अंडरस्टैंड हिज मर्सी एंड पनिशमेंट, उनकी कृपा और उनका जो दंड है उन्हें कौन समझ सकता है, यानी प्रभु दोनों परिस्थिति में जीव का उद्धार करते ही करते हैं, जिसको दंड देते उसका भी उद्धार होता है और कृपा करते उसका भी उद्धार होता है, क्योंकि जब जीव नहीं सुधरना चाहता, जब शरीर का कोई अंग उसका इलाज नहीं हो रहा तो उसको काटना पड़ता है, जब आप इतने ही ज़्यादा पतित हो चुके हो, आपको कथा कुछ समझ भी नहीं आ रही और आपने नाम जपना ही नहीं है, तो फिर आपका वध ही उचित है, कम से कम प्रभु के हाथ से मर के तरोगे तो उसे मोक्ष तो मिलेगा, वो बेप्रेम भक्ति नहीं मिलेगी अलग बात है, लेकिन मुक्त तो होगे संसार से, नहीं तो तुम कभी भी संसार से मुक्त होने वाले नहीं हो, जबकि भक्ति का जो सुख है वो मोक्ष से करोड़ गुना अधिक श्रेष्ठ है, जो राक्षसों को जो मुक्ति मिलती है वह जोत में जोत समाना, वो उसको निज धाम में निजी सेवा नहीं प्राप्त होती, वो केवल भक्तों के लिए रिजर्व होती है जो भक्ति करते हैं, निज धाम में निजी सेवा। इसलिए जो मुक्त होते हैं, मुक्ति एक किस्म का स्पिरिचुअल सुसाइड ही है भक्तों के लिए, वो कभी नहीं चाहेंगे मुझे मोक्ष में समा जाऊं, उनको तो रस सही है, वो मोक्ष की चाहेंगे क्यों, वो भी तो अपने स्वार्थ से भरा हुआ है, कहते प्रभु जिधर तेरी इच्छा है मेरे शरीर को भेज दे, मेरे को भेज दे, मैं तेरी सेवा में करूँ, बस तेरे को भूलू ना, तेरे भक्तों के बीच में तेरी कथा सुनता रहूँ, तेरी सेवा करूँ, तो जैसा चाहे मेरे शरीर का प्रयोग कर सकता है, इसे कहते शुद्ध भक्ति। वो प्रभु के साथ प्रभु के धाम से आता है और प्रभु के धाम चले जाता है, वो संसार में बंधन में नहीं होता, मायक में नहीं होता, वो आता है प्रभु के साथ और प्रभु के साथ चल जाता है, तो मुक्ति होता है, आप ऐसा प्रभु की कार्य में सहायता करता है, चाहे नाम प्रचार में करे, चाहे कोई भी चीज में करे, वो करते ही करता है, आप भक्त तो रिस्क तक उठाने को तैयार है, कोई डंडा मारे गाली दे लेने को तैयार है, मेरे महाप्रभु क्या क्या मैंने करना है, चाहे निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, चाहे जूते पड़े चाहे जो भी हो, महाप्रभु की कृपा में है, मैं करूंगा ही करूंगा, हरि नाम का वितन हरि कथा मैं शुरू सुनाऊंगा, और इसीलिए तो महाप्रभु उन भक्तों के अधीन होते हैं जो मेरे लिए कष्ट उठाते हैं, हम जैसे और थोड़ा कष्ट होगा मैंने कल से नहीं करना छोड़ दो, मैंने माला भी नहीं करनी, मैंने नहीं कथा करनी, उसे निंदा कर दी मेरी, तो कर दी या ठीक है ना, क्या हो गया,
तुम अपने अहम के लिए बैठे तो मैं महाप्रभु के तुम नौकर हो, तुम दास हो महाप्रभु के। सोल्जर की इज्जत होती कमांडर की इज्जत होती है, और कमांडर की बेशी तुम्हारी क्या बेशी, तुम्हारी क्या इज्जत, तुम सोल्जर हो सैनिक हो, तुम्हारे स्वामी कौन है महाप्रभु, बेशती उनकी इज्जत उनकी है, वो उनके सरदर्दी तुमको संभालना, तुम्हारी सरदर्दी नहीं है, तुम्हारा काम है केवल आज्ञा मानना। बेचती होगी तो उनकी होगी, उनको चिंता है मेरी भक्ति बेची मेरी बेचती है, अगर इज्जत हो रही भक्ति तो प्रभु की इज्जत हो रही है, तुम्हें चिंता करने, तुम नौकर हो तुम नौकरी करो बस ईमानदारी से, वो देंगे जो तुमको देना है, और वो देखो क्या क्या देते हैं कैसे करें, जो उनके लिए कष्ट उठाता है सहन करता है उसको प्रेम धन देकर उसको अपने पास लेके जाते ऐसे लोगों को, और जो अपने अहम लेके बैठा और मेरे साथ ऐसा हो गया मेरे को ये बोल दिया और मैंने नहीं करना कल से मैंने छोड़ देना ये, तो तुम तो दास मानते ही नहीं अपने आप को, सीधी सी बात है तुम दास बने ही नहीं हो, तुम्हें तो अपने अहम की चिंता, तुम्हें तो प्रभु की चिंता ही नहीं है, प्रभु तुम्हारे हाथ से कुछ काम कराना चाहते कुछ सेवा लेने तो क्या हो गया बोल दिया तो इतने परेशान होने वाली क्या बात है। एज द लॉर्ड लेमेंटेड ड्यू टू नॉट रिसीविंग द हैप्पीनेस ऑफ एक्सटेटेड लव, प्रभु विलाप कर रहे थे क्योंकि उन्हें जो है दिव्य प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा था। अद्वैत जॉयफुली डांस वेल क्लैपिंग इज हैंड, अद्वैत आचार्य जो है नृत्य कर रहे हैं तालियां मारते हुए। आफ्टर लिसनिंग टू अद्वैत वर्ड लॉर्ड विश्वंबर डिड नॉट मेक एनी रिप्लाई, उनके शब्दों को सुनकर विश्वंबर ने कुछ भी नहीं कहा। द लॉर्ड सडनली ओपन द डोर एंड रैन आउट, प्रभु ने दरवाजा खोला और भागे बाहर, एंड नितन हरिदास रन आफ्टर हिम, नितन हरिदास उनके पीछे पीछे दौड़े। थिंकिंग दैट देयर वाज नो यूज इन कीपिंग अ बॉडी डिवाइड ऑफ लव और गॉड, द लॉर्ड जंप इनटू द गैंजेस, कहते वो किस काम का शरीर जिसमें कृष्ण प्रेम ही नहीं प्राप्त हो रहा है, वो शरीर रखना व्यर्थ है अगर कृष्ण प्रेम नहीं मुझे प्राप्त हो रहा, इसलिए उसको त्यागना ही उचित है। उन्होंने गंगा में छलांग लगाया, ऑफकोर्स प्रभु ही प्रेम प्रदान करने वाले हैं, यानी बता रहे कि भक्त इस प्रकार के होते हैं, भक्तों के अंदर यही लालसा कि वो शरीर किस काम का जो कृष्ण प्रेम जिसको नाम मिले। द लॉर्ड जंप इन टू द गंगे, नितिन हरिदास जंप इन बिहाइंड हिम, प्रभु जो गंगा जी में छलांग लगाए नितिन और हरिदास उन्होंने पीछे से वो भी छलांग लगाई। नित्यानंद क्विकली कॉट द लॉर्ड बाय हिज हेयर एंड हरिदास ग्रैब द लॉर्ड लोटस फीट, नित्यानंद जी ने प्रभु के बालों को पकड़ा, हरिदास जी ने प्रभु के चरणों को पकड़ा। द टू देन कैरी द लॉर्ड आउट ऑफ द वाटर, दोनों ने प्रभु को जल के बाहर ले आए। वेयर अपॉन द लॉर्ड सेड व्हाई डिड यू रिस्ट्रेन मी, प्रभु ने कहा तुमने मुझे क्यों रोका, फॉर व्हाट पर्पज शुड आई मेंटेन दिस लाइफ विच इज डिवाइड द लव ऑफ गॉड, मैं उस शरीर को क्यों धारण करूँ जिसमें कृष्ण प्रेम ही नहीं है। तो सोचो कृष्ण प्रेम कितना ज्यादा श्रेष्ठ है, कितनी महिमा दिया है कि जीव का उद्देश्य मुक्ति होना नहीं कृष्ण प्रेम है। कृष्ण को प्राप्त करके क्या करोगे, प्रेम मिलेगा तो सेवा होगी, क्योंकि प्रेम हमेशा सेवा के में प्रकाशित होता है, प्रेम बगैर सेवा कर ही नहीं सकता कोई। तो जितना ज्यादा प्रेम होगा उतनी बढ़िया सेवा कोई करेगा, अगर सेवा नहीं प्राप्त कराए तो समझ जाओ किसके अंदर प्रेम बिल्कुल नहीं है भगवान के प्रति, क्योंकि प्रेम हमेशा सेवा के रूप में ही प्रकट होएगा। प्रेम का स्वभाव है सेवा करना, समर्पित करना सब कुछ। तो व्हाई डिड यू होल्ड टू होल्ड मी बैक, आप दोनों मुझे क्यों पकड़ के रखा। माय डियर फ्रेंड्स आई हैव नॉट दिस लेटर टू द लव ऑफ गॉड, मेरे मित्रों मेरे पर लेश मात्र भी प्रेम नहीं है हृदय में। व्हेन यू सी मी क्राइंग इन सेपरेशन आई एम जस्ट फॉल्सली एग्जिबिटिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ माई ग्रेट फॉर्चून, जब मुझे रोते हुए देखते हो तो मैं तो केवल नाटक कर रहा हूँ दिखाने के मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ये चैतन्य चातामृत का जो श्लोक है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये महाप्रभु बता रहे हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि कई लोग आँखों में नकली आंसू लेते दिखाने हम बहुत बड़े भक्त हैं, प्रभु तो हृदय को जानते हैं हृदय के अनुसार। भक्त अपने भाव को छिपाता है, वो कभी प्रकाशित नहीं करेगा कि मेरे जीवन में प्रेम है। अब बाई चांस हो भी जाए तो वो ये कहेगा तो आँख में कोई कचरा आ गया, कुछ ये हो गया वो हो गया, या वो नकली आंसू ला रहे हो आपकी प्रशंसा सुनने के लिए, वो हमेशा छुपाएगा। और जो नकली होंगे वो जोर जोर से रो के दिखाएंगे हम कितने बड़े भक्त हो गए।
ये प्रेम इतना आसान नहीं है, इतनी सस्ती चीज नहीं है, इतनी आसानी से मिल जाएगा, जो हम आए नहीं, दो चार दिन नहीं हुआ, जब साल दो साल कथा सुनते हुए या नाम जब तुम भक्त बन गए रोना शुरू कर दिया, इतना सस्ता नहीं है। बहुत कृपा चाहिए, बहुत साधना चाहिए। उसके आने के पहले आपके आचरण से पता चलता आपके अंदर कितना वैराग्य है। भोग की वृत्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी आपके अंदर, बिल्कुल भोग की वृत्ति नहीं रहेगी, तब पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा, और आप कृष्ण चर्चा के अलावा कोई और चर्चा कर ही नहीं सकोगे, या नाम के अलावा कुछ और चीज़ आपके मुख से निकलेगी नहीं। ये लक्षण होता कि आप प्रेम में हो। आप संसार भर की बातें करो, दुनिया में फंसे हुए हो प्रपंचों में, और कहते कि मेरे अंदर प्रेम है, ये पाखंड बंद करो, ये दिखावा बंद करो। उसके लक्षण पहले से ही दिखते हैं। जो आदमी अवस्था में आता है वो डूबा रहता है, वो प्रेम में पागल हो जाता है प्रभु के, उसके वो उसकी चर्चा के बगैर या उसका नाम बगैर वो एक पल भी नहीं रह सकता, क्योंकि जिससे प्रेम करोगे उसकी चर्चा करोगे, ये लक्षण है, या उसके नाम का जप करोगे। और नहीं भी है तो करते करते प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, अगर नहीं भी है तो करते करते उस अवस्था में पहुंच जाओगे। हम योग्य बने फिर कृपा मिलेगी, यह असंभव। तो बेस्ट है वो चर्चा करते जाओ, हरि नाम करते बढ़ाते जाओ, हरि चर्चा भक्ति, ये ज्ञान मार्ग है, योग्य बनो तो कृपा मिलेगी। भक्ति मार्ग क्या है, प्रभु आपके चरण पढ़ने से ही कृपा होगी, मैं तो योग्य बन ही नहीं सकता हूँ, वो तो कई जन्म भी है, आप कृपा करके मुझे योग्य बनाओ। तो नाम जपते जपते, नाम प्रभु सब है ना, नाम जपते जपते कथा करते 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 प्रभु अपना आप योग्य बनाएंगे। तुम्हें क्या चिंता पड़ी योग्य बनने की, उसका बनाने वो खुद बनाएगा। तुम अपने को अयोग्य ही मान के चलो, तुम तो योग्य हो ही नहीं, बात से बिल्कुल सही है, प्रभु को जो करना कराएगा, तुम भजन करते जाओ बस। इसलिए योग्यता के मापदंड क्या है, हम योग्य बनेंगे तब हम हरिनाम लेंगे, योग्य बनेंगे तब हम ये करेंगे, क्या मापदंड है तुम्हारा? तुम कभी योग्य बन ही नहीं सकते हो। गोपियां कहती हम अयोग्य है, भरत जी जो है प्रभु के प्रिय पात्र कहते मैं अयोग्य हूँ, और तुम योग्य कहाँ बन गए भैया बताओ? जितने शेव भक्त कहते हम अयोग्य, तुम्हारे भी कहाँ योग्यता आ गई? क्योंकि भक्ति का स्वभाव है अभाव की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, जितनी भक्ति बढ़ेगी उतनी अभाव की स्थिति बनी रहेगी। यह नारद जी ने वर मांगा कृष्ण से बृहद भागवतम के प्रथम भाग के लास्ट में, जब प्रथम भाग खत्म होता है, नारद जी ने वर मांगा है कि भक्त के अंदर कभी अभिमान ना है, इसलिए उसके अंदर हमेशा अभाव की स्थिति बनाए रखना, ही शुड ऑलवेज फील कि ही लैकिंग समथिंग और अदर। इससे भक्त को हमेशा लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, मुझे प्राप्ति हुआ ये, और वो और प्रयास करता है और प्रयास करता है। अगर भक्त को जैसे लगे मुझे बहुत कुछ मिल गया तो वो तो भजन छोड़ देगा, मेरे को तो बहुत कुछ मिल गया है। अब प्रभु नहीं चाहते कि मेरा चिंतन छूटे, तो कोई कमी भी रहेंगी, दिखा हो जाएंगी, आपके हाथ से बेवकूफियाँ भी हो जाएंगी। आप बोलोगे हाँ मेरे बहुत कमी अभी, तो और प्रयास करोगे। प्रभु यही तो चाहते जी निरंतर भजन करे, कब तक? जब तक मेरी प्राप्ति न, बच्चा कब तक पढ़ाई करता है? जब तक एग्जाम में पास होता है, जब तक मेरी अनुभूति न प्राप्ति न हो जाए, या मृत्यु के समय जब उसके मुख से हरिनाम निकल गया, राम नाम निकल, तब वो पास हो गया, उसके पहले वो सब फेल ही फेल है। बस मृत्यु के समय उसकी याद आ गई तो आप पास हो गए, इसलिए तो उसके पहले सब फेल ही फेल है। Indeed, not seeing the beautiful face of Krishna playing his flute, I continue to live my life as an like an insect without purpose. Krishna के दर्शन, सुंदर मुख के दर्शन ना करते हुए, बांसी बजाते हुए उसके दर्शन ना करो, मैं अपना जीवन वैसे व्यतीत कर रहा हूँ जैसे एक कीड़ा जिसका कोई उद्देश्य और लक्ष्य ही नहीं होता। यानी वे बताना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य लक्ष्य कृष्ण के सुंदर मुख के दर्शन करना, उस प्रेम के लिए प्रयास करना, हरि नाम अधिक से अधिक करना, हरि कथा अधिक से अधिक श्रवण करना और कीर्तन करना या पढ़ना, तभी जाके आपको स्थिति में कृपा से आओगे। अपनी क्षमता का प्रयास करो, बाकी जो होना कृपा से ही होना। द टू ट्रम्बल एज दे थॉट व्हाट विल हैपन टू, दोनों घबरा गए कि क्या होएगा अभी। लोक है नित्यानंद गौरचंद्र, लोके नित्यानंद गौरचंद्र, नित्यानंद क्या देते, गौरचंद्र बोले क्या बोले, समय हो रहा है मैं इसको विश्राम देता हूँ, कथा हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि व्याख्या बहुत है, तो आराम से करेंगे। वांछा कल्पत्र भेष कृपा सिंधु भय एवच पतितानां पावने भयो
वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।